यहाँ बागेश्वर बाबा का, तो बागेश्वर बाबा जैसे कई बाबा आए और चले गए। ये सब झूठा है, फरेब है, कुछ नहीं है, ये आडंबर है, अंधविश्वास के आधार पर, पाखंड के आधार पर ये लोगों को गुमराह। ये जो बाबा हुआ है ये बिहार में हिंदू मुस्लिम करने आ रहा है। क्या करने जाएंगे, बाबा आ रहे हैं तो बाबा का छीलेंगे हम थाम कर। बागेश्वर बाबा की पर्ची अगर मैं खोलूं तो बागेश्वर बाबा भविष्य में जेल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के बारे में डॉक्टर जाकिर नायक साहब का क्या ख्याल है, क्या राय है, वो भी सब सुनना है। इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। तो अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलते हैं हमारे साथ वीडियो पूरी देखते रहें। उसमें चमत्कार होता तो ये उड़ीसा को जो ट्रेन जा रही है इसमें 250 लोग मर गए, क्या वो ये पर्ची नहीं निकाल पाता? क्या हमारे 40 नौजवान मर गए उनकी पर्ची नहीं निकाल पाता? जो नक्सलाइटों के द्वारा हमारे लोग मारे जाते हैं जवान, वो पर्ची नहीं निकाल सकता? कहाँ बम गड़ा है? ये सब झूठा है, फरेब है, कुछ नहीं है, ये आडंबर है, अंधविश्वास के आधार पर, पाखंड के आधार पर ये लोगों को गुमराह करके उसमें उलझाना चाहते हैं। और यहाँ की जो मूल समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य और यहाँ के सामाजिक जो समस्याएं उन पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए, इस तरह का काम कर। बागेश्वर बाबा की पर्ची अगर मैं खोलूं तो बागेश्वर बाबा भविष्य में जेल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जेल जाएंगे और जितना पैसा कमाया है सारा पैसा देने को वकीलों को तैयार हो जाएंगे, कहेंगे पैसा कितना भी ले ले लेकिन मेरे लिए बाहर निकलने का रास्ता निकाल। यानी उसे खुद पे भरोसा नहीं होता। बाबा के वही भक्त बनते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, जिनके पास खुद की बुद्धि नहीं होती, जिनकी खुद की कुछ करने की क्षमता और हिम्मत नहीं होती है, वही कमजोर लोग ऐसे बाबाओं के भक्त बन जाते हैं। कह रहे रात दिन दरबार लगाओ, सारे नेताओं की औलादे वहां बैठे, उनकी बीवियां वहां बैठे, सारे पंडित पुजारियों की बीवियां वहां बैठे, सारे मंदिर वालों की बीवियां वहां बैठे, बेटियां वहां बैठे, हम तो फिर कहें कि तुम्हारा दरबार सच्चा? ये तो तुम कमजोर लोगों को और गरीब बना रहे हो। अब इस देश में संविधान आने के बाद में अवतार होने बंद हो गए हैं। जब अवतार नहीं हो पा रहे हैं तो अभी ने मजबूरी बस बाबा तैयार करने पड़ रहे हैं। और ये वही बाबा हैं जिनके गोरख धंधे एक समय पर जब खुलते हैं तो संविधान इनकी नाक में नकेल डालता है। इसलिए मुंह भर भर के बार बार संविधान के विरोध में बोलते हैं, क्योंकि अब लड़कियां इनके यहां से गायब हुई हैं तो कोई भी धार्मिक पंडा पुजारी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, इनका समर्थन देगा, लेकिन भारतीय संविधान इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, इसलिए संविधान से नाराज रहते हैं। कहा बागेश्वर बाबा का, तो बागेश्वर बाबा जैसे कई बाबा आए और चले गए। बहुत लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं बाबा को, तो रोका जाएगा ना उनको? अगर गलत धार्मिक उन्माद फैलाएंगे तो गलत रोका जाएगा ना। और आपको हमको लड़ाया जाएगा, मुस्लिम और हिंदू को लड़ाया, लड़ाते हैं जी। बाबा लड़ाने का ना काम करते हैं। लड़ा। बाबा के बहन का खुद मुस्लिम से शादी है और वो खुद मुस्लिम का विरोध करते हैं, तो ये लड़ाने का काम नहीं हुआ जी? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बाबा। क्यों बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? यहाँ हजारों साल से मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते आए हैं, आज से रह रहे हैं। ये देखिए ना मंदिर, यहाँ देख रहा मंदिर और उसके बगल में मस्जिद है, ये दोनों को कोई उखाड़ के फेंक देगा? है कोई? आपको नहीं चाहिए? क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? हम लोग सब साथ रहते आए हैं तो हिंदू राष्ट्र का क्या आवश्यकता? हमको रोजगार चाहिए। क्या करने जाएंगे वहाँ? क्या करने जाएंगे, बाबा आ रहे हैं तो बाबा का छीलेंगे हम थाम कर। देश की आजादी में सबका सहयोग, सबका सहयोग है। ये जो बाबा हुआ है ये बिहार में हिंदू मुस्लिम करने आ रहा है, 24 में चुनाव है, इसलिए इसको बीजेपी वाला बुला रहा है। बीजेपी बुला? हाँ बीजेपी बुला रहा है। हाँ नफरत फैलाने के लिए आ रहा है, लगता है नफरत? हाँ हमको लग रहा है, तब तो बोल रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं नफरत फैलाने। हाँ बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो, बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। तेजी प्रताप यादव तो बोल दिया कि गिरफ्तार कर लेंगे, पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ तो ऐसा काम करेंगे तो करेगा ही, करेगा ही, गिरफ्तार करेगा, हम लोग पूरा साथ है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रविशंकर राम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ और सबसे पहले आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैंने पीस टीवी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर मेरा सवाल है कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण, हिंदू मत के अनुसार जैसे धर्म के दक्ष लक्षण होते 10 धीति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच,
इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपल्सरी, भी करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपल्सरी, दूसरा है मुस्तब या लोग कहते सुनना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबा, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्ताब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर क्वेश्चन। भाई साहब आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसके बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया। भाई साहब आप मानते कि खुदा एक है? जी सर। मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं? खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते, तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे जिस तरह आप कल्कि अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल्कि पुराण, ऋग्वेद, कल्कि पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। तो मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास, बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। बाकी नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए, मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, क्योंकि मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से? जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वो अशदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वरसुलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके हैं।
और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके। और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने, मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net। थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह शुक्रिया। नाज़रीन वीडियो आपने देखा, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने किस तरह एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कैसे आंसर दिए हैं। तो इस तरह खूबसूरत वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।